हाँ भाई, नेक्स्ट क्या है जल्दी बताओ। सिंगिंग कॉम्पिटिशन नेक्स्ट है आज का, सुर संभाल के सिंगिंग कॉम्पिटिशन आएगा। सबसे पहले लेपर्ड्स, बारी किसकी आज? सही है। फिर वुल्व्स, बारी किसकी आज? ओके। फिर गोरिल्लास और आखिर में आएंगे ड्रैगन्स। आ जाओ भाई लेपर्ड्स, ल्यूपर्ड आ जाओ, ल्यूपर्ड फिर से आना। कौन सा गाना? क्या अखियां उड़ी आमना गा रही है गाना? उड़ी दिया रे रे को कौन सा गाना है? कमीज तेरी काली। बेटे आप तो ऑरेंज पहन रहे हो, आ जाओ आगे, आ जाओ आगे, जाओ रेडी गो। कमीज तेरी काली नी सोने फुल्ला वाली, कमीज तेरी पावे बसे तू वलैत असा करनी रै, पावे बसे तू वलैत असा करनी रै, तैनू लैके जाना है मियां वाली। कमीज तेरी काली नी सोने फुल्ला वाली, गोरिल्लास के अब आए गाना गाने। कौन से गाना है बेटे? एक बात कहूं दिलदारा। आ जाओ। हेलो हेलो, एक बात कहूं दिलदारा, तेरे इश्क ने हमको मारा, मारा
जैसे रब ने है तुझे बनाया। तूने कहे थे पारा तेरे इश्क ने हमको मारा। एक बात कहूँ दिलदारा तेरे इश्क ने हमको मारा। चलो भाई जबरदस्त आओ। नेक्स्ट कौन है? ड्रैगन्स है, मदीहा और एहसन गाएंगे। कौन सा गाना गाइस? आंखें मिलाने वाले। चलो भाई जबरदस्त, रेडी गो गाइस। जैन ने कोई गाना सुनाना है? सर सुनाऊंगा। कौन सा? आ जाओ। सज्जाद अली का गाना है। सज्जाद अली भाई का गाना है? सज्जाद अली उस्ताजी का गाना। आ जाइए उस्ताजी, आइए। कौन सा गाना? किड़किड़। आ जाओ भाई, रेडी जैन की आवाज में किड़किड़, रेडी गो। जबरदस्त जैन की स्पेशलिटी उसकी वोकल क्वालिटी है। आवाज बहुत ज्यादा दमदार आवाज है, बहुत अच्छी आवाज है, बड़ा मजा आता तुम्हें सुन के। चलो जी, लेकिन जो मुकाबला है वो चारों टीम्स के दरमियान है। सुनना ये चाहता हूँ कि आज के तीन पॉइंट्स का हकदार कौन है, मेरी टीम बताएगी। माइक खोलिएगा जी फैसल का। जी दानिश भाई, आज कोई इतना खास परफॉर्मेंस नहीं हो पाई इन तमाम कंसर्ट्स, लेकिन जो बेहतर जो इन सब में गाया वो वुल्फ्स ने, जो शादाज की टीम ने, इन्होंने बहुत बेहतर गाया है इन तमाम लोगों में। अच्छा, इनके साथ थोड़ा सा मसला ये होता है कि इनको खींचना पड़ रहा था हमें अपने
सुरों के अंदर जी, क्योंकि ऐसन थोड़ा सा आपको आपने खुद सुना था, हाँ, टेम्पो स्लो कर दिया था बहुत ज्यादा, हाँ, हाँ, लेटा दिया था, उसकी वजह से फिर मदिया ने भी जो था वो कोप अप करने के लिए उसके साथ, बिल्कुल ऐसे ही है, तो मदिया ने बहुत अच्छा गाया है, शानदार गाया मदिया ने, ऐसन भी सुर से बाहर जाके वापस आ रहे थे क्योंकि इनको खींचना पड़ रहा था, ये सुर में आ रहे थे, ये बड़ी अच्छी बात है कि सुन के वापस आना, एटलीस्ट को अब सेंस है क्या क्या करना है और क्या जी। जो सबसे अच्छा गाया वो वुल्फ्स ने गाया, इमरान और शहताज ने गाया, इमरान और शहताज। अच्छा, आपके ख्याल में जैजी और जरनाब कैसे थे दोनों यहाँ? ये दोनों भी बहुत अच्छे गाए, इन दोनों ने भी बहुत अच्छा गाया है। इनके बाद जो हमें बेहतर लगा है कि वो अगर आप समझते हैं कि इनको पॉइंट्स देना चाहिए जिस तरह से, म्यूजिक का तो आप लोग बताएंगे मुझे, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे हिसाब से आमना जो थी ना वो बिल्कुल सुर से बाहर थी आज जी, बिल्कुल ही तुमने आउट गाया। एक तो एक कॉमन सेंस है, इतना मुश्किल गाना लाइव शो में चूज क्यों किया तुम लोगों ने? गाना तो बहुत बहुत शानदार है जब भी सुनो, लेकिन बहुत मुश्किल है और वो कहीं पर शायद तो वो गा जाएगा अगर थोड़ी सी एफर्ट करेगा। हमने तुम्हारे लिए तो बहुत मुश्किल था, मैं हैरान था कि तुम लोगों ने चूज क्यों किया गाना। खैर एनीवे जी, रात गई बात गई, सबसे ज्यादा अच्छा आप लोगों के आपके हिसाब से गाया है वुल्फ्स ने और इन्होंने गोरिल्लाज ने बहुत अच्छा गाया है, इन्होंने सेम गाया है, बिल्कुल सेम गाया है ऑलमोस्ट। ओके, इन दोनों को अगर आप समझते हैं कि तीन तीन पॉइंट देने चाहिए तो और एक पॉइंट उनको, तीन पॉइंट जाएंगे यहाँ पे वुल्फ्स के साथ, तीन पॉइंट जाएंगे गोरिल्लाज के साथ और एक पॉइंट जाएगा ड्रैगन्स के साथ। अगर आज तुम साथ थोड़ा सा स्टार्ट सही गाते तो उसने शानदार गाया था, हो जाएगा इस। देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा।